वेलकम बैक टू हुन पेश ने स्पोर्ट्स न्यूज़। पाकिस्तान की मारूफ पेंट कंपनी डायमंड पेंट बनाने वाले ने अपनी नवी प्रोडक्ट ड्यूरा सिल्क पेंट की कामयाब लॉन्चिंग की खुशियां अपने मुलाजमीन शेयर करने लिए डायमंड पेंट इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट मैचेस का इनकाद किया। तकरीब के मेहमान खसूसी डायमंड पेंट के सीईओ मीर शुएब अहमद सन। तकरीब का मकसद ड्यूरा सिल्क की कामयाबी अपने इदारे के मुलाजमीन शामिल करने उन्होंने तफरीह सेहतमंद एक्टिविटी भी मुहैया करना। ए मैचेस मॉडल टाउन वाइट ग्राउंड विच खेले गए जिदे विच चार टीमां डायमंड लाइन स्टार 11 ब्लड हूंस ते ओशन 11 ने हिस्सा लिया। इन मैचों डायमंड पेंट कंपनी के मुलाजमीन के लोगों की एक वड्डी तादाद ने वेख्या। इस मौके से डायमंड पेंट के सीईओ मीर शुएब अहमद ते नेशनल ब्रांड मैनेजर शकील अहमद खान ने कहा, असल में बिकॉज अभी हमने एक नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था ड्यूरा सिल्क और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी ही नेशन वाइड जो है पजीराई हुई है और हमारे जो सेल्स के हमने फोरकास्ट की थी उससे ज़्यादा सेल्स हुई हैं मार्केट में और बड़ी अच्छी तरह पब्लिक ने इस लॉन्च को भी और इस प्रोडक्ट को भी लिया। सो आई थॉट के इस कामयाबी को हमें अपनी सारी टीम के साथ शेयर करना चाहिए और यह है कि चूंकि कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी काम हो इट्स नथिंग विदाउट अ टीम। सो आई मीन परचेज से लेके प्रोडक्शन से लेके सेल्स से लेके मार्केटिंग से लेके एचआर से लेके आई मीन एवरीबडी इज पार्ट ऑफ अ टीम तभी कुछ होता है। और इस तरह की एक्टिविटी के दो मकासद हैं, एक तो यह है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है और यह है कि प्लस है कि जब टीम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जब इकट्ठे होकर खेलते हैं तो एक तो एक कंपनी का इकट्ठा इमेज और उसके बाद एक डिपार्टमेंट का इकट्ठा इमेज कि वो जो एक टीम प्ले है वो उसका एहसास उनमें उजागर होता है कि हम एक टीम का हिस्सा हैं और अगर हम मिलकर एक मकसद की तरफ चलेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह हमें जरूर मिलेगी। तो ये बेसिकली सेलिब्रेशन है हमारी एक नई प्रोडक्ट ड्यूरा सिल्क जो हमने लॉन्च की है अभी मार्केट में। ड्यूरा सिल्क अपने आप में पाकिस्तान की मार्केट में एक बड़ी मुनफरिद और पहली प्रोडक्ट है। बहुत कामयाबी के साथ हमने उसको लॉन्च किया है। प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बड़ी सक्सेसफुल आप कह सकते हैं कि हमारी ये न्यू एंट्री जो है मार्केट में हमारी प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी रही है। बस उसी की सेलिब्रेशंस हैं तो तमाम डिपार्टमेंट्स हमने यहाँ जमा किए हुए हैं जिन्होंने पिछले दो माह में बड़ी एक्सरसाइजेस की हैं, प्रोडक्शन ने, सेल्स ने, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, तो अब वो सब लोग यहाँ जमा हैं। ये बेसिकली सेलिब्रेशंस हैं और कुछ ये कह सकते हैं कि बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी है और इससे हम बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़रा टीम बिल्डिंग भी लोगों की समझ आती है, स्पोर्ट्स में हल्ला गुल्ला रहता है, ज़रा हेल्दी सी एक्टिविटी है। तो बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ पंजाब टीवी का कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इस छोटे से इवेंट को आपने यहाँ कवर किया है। लाहौर पोलो क्लब विच रॉयल फैन वालों रॉयल फैन पोलो कप का इनकाद होया जिदे विच मास्टर पेंट ते इन वॉक फर्नीचर विचकार मुकाबला होया। रॉयल फैन पोलो क्लब विच जबरदस्त मुकाबले तो बाद इन वॉक फर्नीचर ने मास्टर पेंट की टीम नू दो दे मुकाबले विच 11 गोल करके शिकस्त 2-4 किया। तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर आला पंजाब के सीनियर एडवाइजर जुल्फिकार अली खान खोसा ने खिलाड़ियों विच इनामात तकसीम किए। खबरों के इख्तिताम तो पहले एक नजर फेर हेडलाइंस से। इंतहाबी नतीजे तो बाद स्कर्दू में सूरत हाल कशीदा, शहर में दफा 144 नाफिज, जलसे जुलूसा ते रैलियां ते पाबंदी, नॉर्दर्न स्काउट्स तैनात। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बलोचिस्तान पैकेज से बलोच रहनुमावां का इजलास अज तलब कर लिया। गवर्नर वज़राए आला ते सैनेटर्स इजलास में शिरकत करेंगे। कराची ते मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में रेलवे मुलाजमीन